त्रिशूल डिवीजन में यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि विश्वकर्मा ने सूर्य के अंश से त्रिशूल को निर्मित किया था और बाद में उसे भगवान शिव को सौंप दिया था। इसीलिए त्रिशूल ये उत्पत्ति, स्थिति और लय का प्रतीक है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे इस त्रिशूल डिवीजन ने भी इसी प्रकार से लगातार जिस प्रकार का शौर्य आज दिखाया है और बहुत ही कठिन परिस्थिति में, चाहे वो द्रास हो, कारगिल हो, पटालिक हो, गलवान घाटी हो, ऐसे जगह जहां पर मनुष्य को सांस लेना मुश्किल है, ऐसी जगह पर लगातार अपने शौर्य से भारत का परचम लहराने का जो काम हमारे त्रिशूल के सेनानियों ने किया है, मैं आप सभी को वंदन करता हूं। जैसा हम सभी जानते हैं कि इस डिवीजन ने 150 वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हैं। 1962 के युद्ध के दौरान इसे स्थापित किया गया था और उस समय 13 कुमाऊं के मेजर शैतान सिंह और 18 GR के मेजर धान सिंह थापा, इन्होंने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया उसके लिए उन्हें सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1991 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान नायब सूबेदार बाना सिंह को पाकिस्तान की कैद पोस्ट पर कब्जा करने के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। 1999 में ऑपरेशन कारगिल के दौरान बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान के लिए 111 GR के कैप्टन मनोज पांडे को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। और 2020 में भी इस डिवीजन के शेरों ने गलवान घाटी में चीनी घुसपैठियों को बड़े शौर्य के साथ पीछे ढकेलने का काम किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी भारतीय सेना में जिन पर हमको नाज है, जिन पर हमको गौरव है, ऐसे इस त्रिशूल डिवीजन में आज आने का अवसर मिला, ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। और मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि शून्य के नीचे जब तापमान था, ऐसे समय 14,500 फीट ऊंचाई पर त्रिशूल डिवीजन ने सैनिकों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की। मैं ऐसा मानता हूं ये भी अपने आप में एक साहस है और विश्व के सामने हमारी ताकत का भी एक ये परिचायक है।